हेलो गाइस, तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हिल्स उधर वाला एरिया, ठीक है। तो क्या सारा सीन है चाइना के आसपास, ठीक है, आ तो नहीं गया आपके पास। चलो शुरू करते हैं, पहले अपन कोर्सेज की बात करते हैं। सी ओ एन टी बेसिस एडमिशन, कौन कौन से कोर्सेज, बेसिकली एडमिशन आप उन्हीं कोर्सेज के अंदर ले सकते हैं जो कि आपने सी ओ एन टी का फॉर्म भरते टाइम आपने जो कोर्स सेलेक्ट किए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आप सिर्फ उन्हीं कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि अगर अपन एडमिशन की बात करें तो जो एडमिशन है वो काफी लंबा प्रोसेस चलता है। थर्ड राउंड के बाद जो है स्पॉट एडमिशन भी कंडक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी में यार अगर अपन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको जो कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक बीबीए एमबीए वगैरह कर सकते हो आप यहाँ से। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, माई गॉड मास मीडिया यूट्यूबर डील्स हैं, ठीक है। उसके साथ ही जर्नलिज्म, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, टूरिज्म मैनेजमेंट वगैरह वगैरह के काफ़ी सारे कोर्सेस आप यहाँ पे कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सी ओ टी के कट ऑफ की बात करिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए जो सी ओ टी के जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाते हैं, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कितने आए। जैसे इस कॉलेज के अंदर जितने भी लोगों ने सेलेक्ट किया हो उस कॉलेज को, उसके अंदर जो है फिर लोग अप्लाई करेंगे सेंट्रल, जो भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे ही आप लोगों ने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, सी ओ टी इसको एक डेटाबेस देती है जहाँ पे आप लोग रजिस्टर किए हो अभी, ठीक है। तो उस डेटाबेस के अंदर आपको क्या करना है, अपनी डिटेल डाल देनी है। उसके बाद आफ्टर द जो भी आपको 5 से 10 दिन का रजिस्ट्रेशन का, 3 से 4 दिन का टाइम देती है, उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन करना अपना, ये लोग जो है मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे कि आपकी इतने नंबर की मेरिट है इस कोर्स के लिए, फिर जो है आपको उस कोर्स में जो है एडमिशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिर्फ यार एक डिपार्टमेंट में ही एडमिशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मास मीडिया में भी मिल गया, सीएस में भी मिल गया, मैकेनिकल में भी मिल गया, बीए में भी मिल गया, ठीक है। आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस में ये कोर्स चाहिए, सेकेंड में ये चाहिए, थर्ड में ये चाहिए, तो यार उस बेसिस पे जो आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका जो है मार्क्स अगर जस्ट लाइक 800 का हो रहा है, वैसे हालांकि एनटीए ने डिक्लेयर किया कि वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पद्धति अपनाएगा, तो हालांकि उसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा कोई अपडेट उसने नहीं दिया कि हम लोग जो है बेस मार्क्स जो कितने नंबर का रखेंगे। तो यार अगर अपन 800 मार्क्स चल रहे हैं नॉर्मली एवरेज कोर्सेज के लिए, तो यार 800 में से आप एटलीस्ट ये ट्राई करो कि आपके 450 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने जो भी अपनी आंसर की वगैरह चेक की हो, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ गया है 450 के आसपास अगर आपका कट ऑफ है, तो जस्ट आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं, अगर इस बार की अगर अपन बात करें तो अटेंडेंस जो है सी ओ टी की वो ओनली एंड ओनली फॉर 60% दर्ज की गई है, स्पेशली इन द जस्ट लाइक ड्यू टू इश्यूज, ठीक है, सेंटर इश्यूज एंड जस्ट लाइक बोर्ड इश्यूज एंड जस्ट लाइक सिस्टम इश्यूज, ठीक है। तो इस कारण के एडमिट कार्ड इश्यूज के कारण जो स्टूडेंट की जो अटेंडेंस थी वो एक ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है, और काफ़ी कम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया है। 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था यहाँ पे, लेकिन जो बच्चों ने जो है एटलीस्ट यहाँ पे मान के चलो कि 5.5 लाख के आसपास बच्चे ही एग्जाम के अंदर बैठे हैं, तो कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा लो है। हो सकता है सी ओ टी के अंदर जो लास्ट में जो एडमिशन है वो 12th बेस पे भी कंडक्ट किए जाए, ठीक है गाइस। तो यार इस प्रकार से ये सारा सीन है सी ओ टी का। आंध्रा का जैसे ही एडमिशन पोर्टल स्टार्ट होता है हम आपको ज़रूर से अपडेट करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के अंदर जस्ट लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके साथ यार हमारे पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्लान्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारी जो टीम है वो फुल ट्राई करती है टू प्रोवाइड द एडमिशन स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद।